हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर 8 मोशन के बारे में। क्या होता है मोशन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आपने अपने सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जो मूव करती हैं और बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जो स्टैटिक हैं। जैसे हम अगर बात करें दो पर्सन की, तो एक पर्सन के लिए कोई चीज़ मोशन में हो सकती है और एक पर्सन के लिए मोशन में नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों? तो लेट अस सपोर्ट एन एग्जाम्पल। हम पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बस में जा रहे हो आप, ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको जो बाहर के जो ट्रीज हैं वो कैसे दिखते हैं, मूव करते हुए दिखते हैं। और वही कंडीशन अगर बस के बाहर वाला आदमी देखे तो उसको वो ट्रीज कैसे दिखेंगे, स्टैटिक दिखेंगे, रुके हुए दिखेंगे, अपनी पोजीशन पे ही दिखेंगे। दूसरा देखो आप उसी बस में, आपको क्या लगता है कि जो आपके साथ सारे पैसेंजर्स बैठे हुए वो कैसे हैं, स्टैटिक हैं, मतलब वो मूव नहीं कर रहे। लेकिन जो बाहर वाला देखेगा वो क्या देखेगा कि बस में जितने पैसेंजर हैं वो मूव कर रहा है बस के साथ। तो ऐसे ही कंडीशंस होती हैं कि किसी को दिखता है, किसी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ मोशन में हो सकती है और किसी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ मोशन में नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, मोशन हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो मोशन हो सकते हैं हमारे जैसे स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, सीधी लाइन में मोशन कर सकते हैं हम, सर्कुलर मोशन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन मतलब होता है अपनी जगह पे घूमना। और क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं। वाइब्रेशन आप जानते हो बैक एंड फोर्थ होना किसी चीज़ का, मतलब किसी जगह पे जाना आना, जाना आना बार बार, बैक एंड फोर्थ, जैसे घड़ी का पेंडुलम वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो अब हम मोशन को थोड़े और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो आपका जो 8.1 पहला टॉपिक है वो क्या है, डिस्क्राइबिंग मोशन। टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रिफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना है कि उसका रिफरेंस पॉइंट क्या होता है, और रिफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो जो ओरिजिन है वो है क्या आखिर, ओरिजिन। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये जो ग्राफ होता है इसमें जो बीच का जो पॉइंट होता है ओ, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्यों इसको ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि सारी जो डिस्टेंस है, सारी जो डायरेक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग बताई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ईस्ट कहाँ हुआ, ये हुआ। इसके अकॉर्डिंग वेस्ट कहाँ हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ कहाँ हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। और इसी के अकॉर्डिंग साउथ कहाँ हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। तो अपन इस रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग चारों चारों चीज़ें देख रहे हैं, चारों डायरेक्शन देख रहे हैं। अगर आपसे बोला जाए कि ओ से 20 किलोमीटर या 20 मीटर नॉर्थ में एक पॉइंट है ए, तो ये ओ क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। और ओ को ही हम बोलेंगे ओरिजन। तो उस रेफरेंस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ओरिजन बोलते हैं। इसके बाद 8.1.1 में हम क्या देखेंगे, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है। स्ट्रेट लाइन में हमें मोशन की बात करनी है, तो सबसे पहले आपको जो पोजीशंस दी हुई हैं ऑब्जेक्ट की ये बनाना है। मान लो हमने ये पोजीशंस बना ली, यहाँ पे ले लिया 0, यहाँ पे 5 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 50, 55, ये जो लास्ट है हमारा है 60, और इसके आगे चलते जाना है। ठीक है, तो इसको दे दिया इसने ओ नाम, हम चलो इसको दे देते हैं ओ। 25 को दे दिया इसने बी, 35 को दे दिया सी, और 60 को दे दिया ए। अब अगर कोई पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, मान लो उसको ए तक जाके बी पे आना है, कहाँ जाना है, पहले उसको ए के पास जाना है फिर बी पे आना है। तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ए तक जाना है फिर बी पे आना है, टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ए तक गया 60 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना है 35। तो पहले अपन क्या जोड़ेंगे, ओ ए डिस्टेंस जोड़ेंगे फिर ए बी जोड़ेंगे। तो ओ ए प्लस ए बी कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 35, मतलब 95। तो ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई कि इसने टोटल कितना ट्रेवल किया। लेकिन अगर हम ओरिजिन से बात करें, हमारा ओरिजिन क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ये है।
और हम फाइनल पहुंचे कहाँ पे, हमारा फाइनल फाइनल पॉइंट क्या है, बी है। तो ओरियन से अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ कितना चला, मतलब कितनी डिस्टेंस पे हैं हम, 25 डिस्टेंस पे हैं कि नहीं, 25 की डिस्टेंस पे हैं। तो ये क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर की थी ये हो गई हमारी डिस्टेंस, टोटल पाथ जितना ट्रेवल किया था वो हो गई डिस्टेंस। और जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये 25 निकल के आया है वो क्या हो गई हमारी, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आप दो चीज़ें समझ सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ आपने जितना ट्रेवल किया वो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, के हमारे जो चलने के पहले जो पॉइंट था और चलने के पहुंचने के बाद जो पॉइंट है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। इसके बाद हम बोलते हैं अभी बी पे आया, अब देखेंगे ओ से ए पे गया, ए से सी पे आया। तो ओ से जब जे ए पे जाएगा तो 60 किलोमीटर चलेगा, क्या होगा, ओ से ए पे गया 60 चला, सी ए से सी तक आया 25 चला, ओ से ए, ए से सी 60 + 25 कितना चला, ये 85 चला। तो ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर ओरियन से बात करें सी तक तो कितना है, 35 है। तो 35 क्या हो गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब अगर हम बात करें जीरो ओ से, ये ए पे जा रहा है, ठीक है, ओ से कहाँ जा रहा है, ए पे, और वापस नहीं आ रहा है। तो ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी चलेगा, ये 60 चलेगा, चलेगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भी वो 60 ही रहेगी। फोर्थ केस हमारा जो है उसमें बात करेंगे कि ओ से ए तक जा रहा है, ए से ओ तक वापस आ रहा है। तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, ओ से ए तक गया, ए से ओ तक गया, तो 60 पहले चला और 60 बाद में चला, 120 चला कि नहीं, ये 120 किलोमीटर चला है, ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई, मतलब पाथ कितना ट्रेवल कर दिया इसने। लेकिन अगर इसकी हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी ओ है और फाइनल पॉइंट भी ओ है, मतलब ये वहीं अपनी प्लेस पे ही आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट पे लौट के वापस आ जाए, उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन आंसर पर, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, कि कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस चल रही है तो उसका क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अभी जस्ट आपको बताया है कि जब वो ओ से ओ पे लौट के आ रही थी तो उसकी डिस्टेंस टू ट्रेवल 120 किलोमीटर हुई थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना था उसका, जीरो था। क्यों था, क्योंकि वो अपनी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका सेम था। अगला हम बात करें तो लास्ट वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए इन दोनों ऑप्शन में से क्या ट्रू है। इट कैन नॉट बी जीरो, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, तो ये गलत है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ये फॉल्स है पहला वाला। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसने बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से ग्रेटर है। लेकिन हमने यहाँ का क्या पढ़ा कि हमेशा डिस्टेंस बड़ी आ रही थी डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये भी फॉल्स है, इसमें उल्टा दे दिया। अगला हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मोशन दो टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म क्या होता है कि हमको एक डिफरेंट एक इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है इक्वल टाइम में। एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे आप घर से कोई इंसान ए से बी तक जाना है, मान लो दो पॉइंट और हैं सी और डी, तो उसने जो पहली और सबकी डिस्टेंस बराबर है, मान लो इसकी भी 10 किलोमीटर, इसकी भी 10 किलोमीटर, इसकी भी 10 किलोमीटर और इसकी भी 10 किलोमीटर, ठीक है, इसको ये एक घंटे में कवर करता है, इसको भी ये एक घंटे में कवर करता है और इसको भी ये घंटे में कवर करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स के डिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, सॉरी, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में। सेम डिस्टेंस जब ये कवर करेगा सेम टाइम में तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली चल रहा है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की।
नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि टाइम तुम्हारा सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस क्या करेगा, ये अनइक्वल करेगा, मतलब एक घंटा ठीक है लेकिन यहाँ इसने जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर कर दी, यहाँ मान लो इसने डिस्टेंस कवर कर दी 20, यहाँ मान लो इसने कर पाई 10, क्योंकि मान लो यहाँ पे ट्रैफिक मिल गया उसको तो इसने 10 किलोमीटर चल पाया, और फिर हाईवे मिल गया उसको तो फिर भी उसने 20 कर दी। तो यहाँ क्या है, सेम टाइम इंटरवल्स हैं लेकिन डिस्टेंस क्या है अलग अलग कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मीजरिंग द रेट ऑफ मोशन, अगला जो टॉपिक है हमें मीजर करना है अपनी मोशन की रेट को, कि मोशन की रेट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ मोशन है ये होता क्या है, बाद में इसको मीजर करेंगे, पहले तो ये देखते हैं कि जो मोशन होता है उसकी रेट होती क्या है। तो इसी मोशन की रेट को बोलते हैं हम स्पीड। क्या होता है स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं स्पीड। तो सबसे पहले डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम ऑफ देम मूव स्लोली, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट। तो कुछ आपने जो देखे होंगे, कुछ जो फास्ट चलते हैं और कुछ क्या करते हैं स्लो स्लो चलते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट रहते हैं जिनकी रेट क्या है अलग अलग रहती है, कोई जल्दी जल्दी मूव करता है, कोई धीमे धीमे मूव करता है, तो इसी को बोलते हैं उसकी रेट, कि किस रफ्तार से किस रेट से वो क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, लेकिन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि कितने टाइम में कोई चीज़ कितना मूव कर पा रही है, इसी को बोलते हैं रेट। तो रेट ऑफ मोशन बोल दिया, क्या बोल दिया हमने रेट ऑफ मोशन को, क्या बोल दिया स्पीड बोल दिया, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला था आपको। तो हमारी जो स्पीड हो गई, स्पीड क्या हो जाएगी कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में। तो स्पीड का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितनी डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है पर यूनिट टाइम में, और अगर इसकी ऐसा यूनिट हम निकालें, ऐसा यूनिट अगर हम निकालें स्पीड की, तो हमें ऐसा यूनिट डिस्टेंस की पता होनी चाहिए मीटर, और टाइम की होती है सेकंड, इसको स्मॉल एम लिख दो और इसको लिख दो स्मॉल एस, मीटर सेकंड। तो ये मीटर ऊपर है सेकंड नीचे है, तो इसको क्या पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकंड पे माइनस वन की पावर, क्योंकि जो सेकंड पे क्या है भाई वन की पावर है, ये ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी माइनस वन की पावर, तो मीटर पर सेकंड। आगे हम बोलते हैं कि अगर कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसकी हम जो स्पीड है वो कैसे निकालेंगे, यूनिफॉर्म में है तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम लगा दो, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म में है तो उसकी हम स्पीड कैसे पता लगाएं। तो स्पीड कैसे पता लगाएंगे, उसकी निकालते हैं हम एवरेज स्पीड, क्या निकालते हैं हम एवरेज स्पीड, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसा क्यों बोला अपन ने कि ये एवरेज स्पीड और स्पीड में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या अंतर क्या है, हमने आपको बताया था जैसे अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है एक घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 10 किलोमीटर चला वन हावर में, तो सबसे पहले इस 10 किलोमीटर को, ये किलोमीटर में है ये हावर में है, अभी हमने क्या पढ़ाया ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं, किलोमीटर में 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 10,000 मीटर हो जाएंगे, और वन हावर में कितने हो जाएंगे 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे, तो आ गया मीटर पर सेकेंड, दो जीरो से दो जीरो गए, 100 अपॉन 36 बचा, 100 अपॉन कितना बचा 36, तो जब तो इसकी मतलब जो भी यूनिट आएगी आगे जाके, 100 अपॉन 36 बचा, इसकी जितनी भी यूनिट आएगी आगे जाके तो वो क्या होगी स्पीड निकाल सकते हो आप, किससे निकाल सकते हो इसकी स्पीड, सिर्फ आपको एक इंटरवल पता हो, एक इंटरवल मतलब आपको ए से सी तक पता था ना, यहाँ पे हमने दो और लिए थे
डी और बी। आपको सिर्फ ए से सी तक पता है कि ये 10 किलोमीटर है एक घंटे में कवर कर रही है, तो आगे वाली भी 10 किलोमीटर एक घंटे में कवर करेंगी। तो आपको सिर्फ अगर इतने की डिस्टेंस ही निकाल लो, इतने की स्पीड ही निकाल लोगे तो आपको सारी स्पीड पता चल जाएंगी, क्योंकि यूनिफॉर्म है। इतने की स्पीड जो होगी वो सारी डिस्टेंस की स्पीड होगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या था, यहाँ की स्पीड अलग आएगी, क्योंकि ये मान लो 10 किलोमीटर चल रहा है एक घंटे में, फिर 20 किलोमीटर चल रहा है एक घंटे में, तो सबकी स्पीड क्या आएगी, अलग आएगी। इसलिए जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस ले लो, ए से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, और टोटल टाइम ले लो कि उसने टोटल टाइम कितना कवर किया। अब स्पीड विद डायरेक्शन पढ़ते हैं। अभी तो हो गई हमारी स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। अब अगर इसमें डायरेक्शन की बात कर दें कि डायरेक्शन और आ जाए, अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ा, डायरेक्शन की बात कर दें तो उस स्पीड को अगर डायरेक्शन के साथ लिख दिया जाए, स्पीड प्लस डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है वेलोसिटी। स्पीड भी बता दी और डायरेक्शन भी बता दी कि किस डायरेक्शन में वो चीज मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ बी स्पेसिफाइज डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद स्पीड। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। कि वेलोसिटी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ही होती है बट वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब उसकी डायरेक्शन बता देती है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट। द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन। तो जब अपन एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो अपन क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, मतलब इनिशियल पोजिशन, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। हमने मैथ्स में पढ़ा है अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इनिशियल जो रहता है और जो फाइनल रहता है उनका सम कर देते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होता है, एवरेज निकल जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी को नेट कैसे करते हैं, डिनोट वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, एवरेज को इसने छोटे में लिख दिया ए वी, इनिशियल को इनिशियल वेलोसिटी होती है अपनी यू, फाइनल वेलोसिटी होती है वी, डिवाइड करेंगे टू से, तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हम बात करें इसकी ऐसा यूनिट की, तो ये दोनों क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है, टू से डिवाइड कर रहे हैं। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, वही ऐसा यूनिट होती है वेलोसिटी, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कोई अलग से नहीं आया। तो इसकी भी वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो इसके भी दो तीन क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला जो क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो स्पीड है और वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो स्पीड में क्या होता है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया होगा कि इस स्पीड से कोई चीज़ चल रही है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होगा, आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दे दी जाएगी कि इस स्पीड से कोई चीज़ चल रही है और इस डायरेक्शन में चल रही है, ये इसका क्या है डिफरेंस है। सेकंड जो क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। कि कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं कि जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का वो एवरेज स्पीड के बराबर हो जाए। कि जो अपनी एवरेज वेलोसिटी है एवरेज स्पीड के बराबर कब होगी, जब होगी जब हम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। जब हम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करेंगे तो जो इसका क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि स्पीड इसकी वही आएगी जितनी वेलोसिटी आएगी, क्योंकि डायरेक्शन इसमें एक ही है, एक ही डायरेक्शन है ना, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डायरेक्शन एक ही है, तो उसमें डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में एक चीज़ मिस हो गई है उसको देख लेना, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपको क्यों लिखा, डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिखा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है, हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है, जो कि हमें वेलोसिटी में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगला आप देखते हैं, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीजर्स। कि जो हमारे ऑटोमोबाइल, जो हमारी गाड़ियों में जो ऑडोमीटर लगा रहता है, आगे जो ऑडोमीटर लगा रहता है वो क्या मीजर करता है, वो मीजर करता है हमारी स्पीड को, ऑडोमीटर क्या मीजर करता है, स्पीड को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन एन यूनिफॉर्म मोशन, कि किसी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा दिखेगा जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसका पाथ कैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में उसका पाथ दिखेगा। जैसे यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, अगर हम ये आपको एक ग्राफ दिख रहा है, मान लो यहाँ पे है डिस्टेंस और ऊपर की डायरेक्शन में हमारा टाइम, ये जीरो है ओरिजिन, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स और 50 मिनट्स और चलते जाएंगे। अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, पहला फर्स्ट किलोमीटर इसने 10 मिनट में कवर किया तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे 10 मिनट और फर्स्ट किलोमीटर आ गया। ऐसे ही 20 मिनट में दूसरा किलोमीटर कवर करेगा, ऐसे ही तीसरा करेगा 30 मिनट में, चौथा करेगा हमारा ये 40 मिनट में और पाँचवा करेगा 50 मिनट में। तो ये क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर होगी, तो यही पता चलता है। तो आज हमने जितना पढ़ा उसके आप नोट्स बनाओगे अपनी कॉपी में, अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर्स को नोट्स करोगे और कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी की रेट चेंज देखना है कि वेलोसिटी की जो रेट चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप नोट्स बना लीजिएगा, अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।